वही इधर आया, नहीं लोग ने बताया तेरा मम्मी पापा पुलिस ने ले लिया। मेरा माँ और मेरा बाप और मेरा बहन को ले गया उसने। कौन लोग? पुलिस लोग। कहाँ? ताना पे ले गया, ताना में। तो आप उस टाइम कहाँ पे थी जब उनको लिया? घर पे था। तो फिर कैसे सुना आप लोगों ने? बोल रहा था कि इंटरव्यू देने के लिए ले जा रहा, इंटरव्यू दे कर लाएगा ये बोल कर ले गया, फिर लाया ही नहीं। हमारा मम्मी को शाम को उठा के लिया, शनिवार को ले गया बोरा टिप लेने, वहाँ से ले गया बोरा, फिर और मालूम नहीं। वो गया था लिस्टी लेने के लिए, बोल दिया कोरोना टेस्टिंग करने के लिए ले गया, फिर वहाँ पे जाके ऐसे बोल के ले गया, दूसरा घर में लेकर सीधा हीरानगर जेल में ले गया था। तो फिर यहाँ पे जो बच्चा था उस टाइम बच्चा बाहर था, जो मामी डैडी जा रहा था बच्चा बाहर में था, तो फिर यहाँ पे आग मैं घर में आके देख रहा हूँ बच्चा सब बच्चा का रो रही है। तो फिर मैंने बोला बच्चे तुम लोग क्यों रो रहे हैं? बोलते हैं ऐसे ऐसे मामी घर पे नहीं है, कहाँ गए पता भी नहीं है, इसका हालत बहुत बुरा है, बिल्कुल ना कोई इसको खाना दे, खाना बना के देने वाला कोई नहीं है, तो फिर इसका पास कोई राशन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ये बच्चा बहुत तकलीफ में है, हर दिन 24 घंटे में ये रोते रहते हैं। गलती का उसको हीरानगर जेल में भेजा गया, और उसका एक लड़की उनके साथ भी है, और दो लड़की घर पे छोड़ के गया, एक 3 साल का है एक 10 साल का है। 10 साल का लड़की बहुत डरता है, उसको बीमार भी है, छोटी लड़की बहुत रोता है, घर में रहता ही नहीं, बोलता है मेरी माँ के पास ले जाओ, मुझे माँ के पास जाना है। इसको जब भी खाना देता ना खाता ही नहीं, ये रोता ही बहुत है, फिर ये बोलता है मेरी माँ के पास ले जाओ, बाप के पास ले जाओ, फिर हम कहाँ ले जाए, इसके बाप को कहाँ से ला कर दूँ, माँ को भी कहाँ से ला कर दूँ, इसका माँ भी पेनिक है, 8 महीने हो गया इसका माँ को, अब किस टाइम इसका हालत ऐसे खराब हो जाएगी हमको भी नहीं पता है। हमको ये उम्मीद है इसकी माँ बाप बहन घर में वापस भेजा जाए। आठ साल हुआ, 2012 में आया था, पहले तो कुछ नहीं हुआ, पहले बस्ती क्यों दिया मेरे को, जगह क्यों दिया, पहले जगह नहीं दी ना चाहिए, अभी जुलूम क्यों हो रहा, क्या गलत किया मेरे मम्मी ने, पापा को भी गूंगा बुढ़ा है, मेरी मम्मी को भी बुढ़ा हो गया, फिर मम्मी ने क्या किया, पापा भी क्या किया, भाई बहन बहुत रो रही है, छोटा छोटा बच्चा है, पैसा भी नहीं है, मेरे पापा भी मांग के चलता है, खाना पीना हम सह नहीं पा के यहाँ आए आगे इंडिया पे, हमें अच्छी तरह इंशाल्लाह यहाँ पर रहने का जगह दिया, हम बहुत उनका शुक्र गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी तो हमें लग रहा बर्मा से जुलूम सर यहीं ज़्यादा हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमें तो यही जुल्म लग रहा है, क्योंकि देखो किसी की पत्ती को ले गया, उनका बीवी रह गया, वो प्रेग्नेंट है, उनका बच्चा हो गया, अभी उसको देखभाल कौन करेगा, जो हमारे माँ बाप बूढ़े जैसे कि 70-80 साल के बंदे को लग गया, जिनका मौत की कोई पता ही नहीं है, आज मरना काल मरना, वो दवाई के बगैर 10 मिनट भी नहीं रह सकता, वो हमारे मम्मी को ऑपरेशन हुआ था 10 दिन भी नहीं हुआ, कभी पता नहीं कब पुलिस आ जाएगी हमको दोबारा इनकी तरफ पकड़ के ले जाएगी, हमको यही डर है, हमारे डर से अंदर मरते जा रहा है, हम क्या करें, हम मुसलमानों के ऊपर इतनी जुल्म क्यों हो रहा है, रात को हमको नींद भी नहीं आता है, हमारे बच्चे को सुलाती हम सोता ही नहीं रहा पूरा रात, हमने हमारे हम औरत है, हम क्या किया, हमको जेल में भेजा जा रहा है।